आरती, आरती क्या होती है और आरती में दिया क्यों जलाया जाता है, इसके बारे में सवाल है किसी का, तो आरती क्या और दिया क्यों जलाया जाता है। आरती शब्द का अर्थ होता है, आ का मतलब होता है सब तरफ से, रति माने प्रेम, उस सब तरफ से अपना ध्यान हटाकर परमात्मा के जिस स्वरूप को आप मानते हो उसमें लगाने का नाम है आरती। तो आरती शब्द में बहुत सी चीजें आती हैं, आरती के दौरान, आरती के अंदर जो है बहुत सारी बातें आती हैं। जैसे सबसे पहले तो दिया जलाया जाता है, दिया प्रकाश का प्रतीक है, और दीप ज्योति परब्रह्म हम सुनते हैं, ये भी हमारे शास्त्रों के वचन है। तो दिए की ज्योति जो है, हमारा शरीर भी, हमारी जो आत्मा है वो भी एक दिए की ज्योति की तरह से होती है। तो बाहर का जो दिया है वो इस ज्योति को प्रेजेंट करता है, इसीलिए हम एक दिया जलाकर भगवान के जिस स्वरूप को भी मानते हैं उनके चारों तरफ ऐसे घुमाते हैं, हम चारों तरफ घुमाते हैं, तो उस समय हम ये उनका जो दिव्य प्रकाश है, उनके चारों तरफ जो दिव्य प्रकाश है, वो प्रकाश इस ज्योति में, हमारी जो ज्योति है जो हम चला रहे हैं, हम जो घुमा रहे हैं, उसमें समा जाता है। उनका जो ऑरा होता है हमारे इष्ट का, जिन जैसे मान लीजिए भगवान शिव की, भगवान राम की, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, तो उनका ऑरा इसमें समा जाता है। फिर इस ज्योति को जब हम आरती फिनिश करते हैं तो इस ज्योति को हम वार कर अपनी आंखों पर लगाते हैं कि ये जो स्वरूप है, मेरे इष्ट का स्वरूप है, जिनकी प्रकाश को मैंने अभी इससे लिया है, इसमें लिया है दिए की ज्योत में, ये मेरी आंखों में समा जाए। एक पार्ट इसका ये है। दूसरा ये भी होता है कि, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है, दूसरा ये भी होता है कि जब आप उनकी आरती उतारते हो, हम जैसे करते हैं, हम अपने इष्ट को, गुरु को, हालांकि संसार की कोई नजर उनको लग नहीं सकती, लेकिन एक प्रेम का भाव होता है कि वो प्रेम जो है उनकी उनकी हम उनकी बलाएं ले लें, उनकी नजर उतार लें, एक भाव होता है। उनको होने वाला क्या है, वो सारे ब्रह्मांड की नजर उनको देख के उतर जाती है, तो वो एक पार्ट है। एट द सेम टाइम ये जो दिया है जिसमें अभी आपने आरती उतारी है, भगवान का आशीर्वाद है, अब इसके द्वारा आप अपनी आरती उतारते हो एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भगवान की आरती हम ऐसे उतारते हैं, तो अपनी आरती उतारते हो एंटी क्लॉक घुमाते हैं ऐसे अपनी आरती। तो जिस दिए से आपने परमात्मा भगवान के जिस स्वरूप को भी आप मानते हो अपने इष्ट की आरती उतारी, उस दिए से आप अपनी एंटी क्लॉक, अपनी मतलब उस तरीके से रिवर्स आरती उतारते हो। अगर आप दूसरों की आपने ऐसे उतारी, तो अपने के लिए आप उल्टा उतारोगे, ऐसे अपने खुद की करोगे। तो इस तरीके से हम सबका ऑरा क्लीन हो जाता है घर पे। अगर आप किसी दूसरे की करें तो जैसे भगवान की आपने करी, वैसे आप घर के बाकी मेंबर्स की भी आरती एक बार 7 टाइम आप रिपीट कर दें, घुमा दें, तो सारे घर का ऑरा क्लीन हो जाता है। बड़ी पावरफुल चीज है, तो जरूर इसका फायदा आप उठा सकते हैं। करनी चाहिए आरती, सुबह शाम जरूर करनी चाहिए, इससे आपके मन में परमात्मा का प्रेम और भाव बढ़ जाता है और एक आनंद को अपने भीतर बसा सकते हैं।